गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिवार पहचान पत्र यानी कि दोस्तों फैमिली आईडी के बारे में। एक और नई अपडेट दोस्तों आ गई है। तो दोस्तों, अपडेट क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आप जहाँ पर देख सकते हो भास्कर खास का जो न्यूज़पेपर है दोस्तों, उसकी मैंने कटिंग निकाल ली है। तो दोस्तों, आप जहाँ पर देख सकते हो, सरकार ने अधिकृत योजनाओं को पीपीपी से जोड़ा। परिवार पहचान पत्र से जुड़ेंगे बिजली कनेक्शन। एक पीपीपी पर कितने मीटर इसका होगा रिकॉर्ड? तो दोस्तों, जहाँ पर आप देख सकते हो, बिजली निगम बिजली मीटर के खाता नंबर को फैमिली आईडी से जोड़ने जा रहा है। इसका मकसद उपभोक्ता का डेटाबेस तैयार करना है। साथ ही एक पीपी पर कितने कनेक्शन चल रहे हैं इसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके लिए बिजली निगम की ओर से उपभोक्ताओं को मैसेज भेजे जा रहे हैं। अकाउंट लिंक करने का काम बिजली मीटर रीडिंग एजेंसी को सौंपा गया है। पीपीपी को देखकर ही भविष्य में बढ़ने वाली बिजली निगम की योजनाओं का लाभ मिलेगा। बिजली निगम उपभोक्ताओं को मैसेज में बिजली मीटर पीपीपी से जोड़ने के लिए लिंक भेज रहा है। लिंक पर क्लिक करने पर ओपन नहीं हो रहा है, लिंक ओपन होते ही बंद हो जाता है। एसडीओ नरेश दुबे का कहना है कि कई बार तकनीक की समस्या आ जाती है। वैसे भी मीटर रीडर जब रीडिंग लेने आएंगे तो खुद फैमिली आईडी की मांग करेंगे, वह खुद जोड़ देंगे। एसडीओ ने बताया कि बिजली मीटर के अकाउंट नंबर पीपीपी से जोड़ने से भविष्य में बिजली निगम को जो ये पता चल सकेगा कि पीपीपी पर कितने कनेक्शन चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जो परिवार पहचान पत्र से बिजली कनेक्शन जोड़ने का जो काम गवर्नमेंट का है, जो कैसा लगा आपको? अगर दोस्तों इस स्कीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।